सिद्धार्थनगर में सीएम योगी के आदेश पर प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सिद्धार्थनगर जिले के विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डुमरियागंज स्थित गरीब नवाज मदरसे में भी मौलाना मकसूद अकरम द्वारा मदरसा परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना मोहम्मद साहेब की सुन्नत भी है और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वृक्षारोपण किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण करना बहुत ही जरूरी है, पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। देशवासियों को चाहिए कि हर जागरूक व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए, जिससे वातावरण स्वस्थ बना रहे। ये जो दरख्त लगाने का काम है, ये हमारे पेशवा हमारे रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और हमारे प्रदेश के जो जिम्मेदारान हैं, जिसमें बिलखसूस योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों का जो पैगाम है और जो एक मिशन और तहरीक चल रही है कि पेड़ लगाया जाए, इसलिए कि पेड़ हमें जीने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करता है, उस पर अमल करते हुए, उनके आदेश का पालन करते हुए आज हम दरख्त लगा रहे हैं और दरख्त लगाकर अवाम को भी, जनता को यह संदेश और पैगाम दारुलूम गरीब नवाज बैदौला डुमरियागंज से पहुँचाना चाहते हैं कि आप रोज़ेमर्रा में न जाने कितने रुपए खर्च कर देते हो अपने ऊपर, दोस्तों अहबाब के ऊपर, कपड़ों पे, अपने शौक पर खर्च करते हैं। मैं अपने उन तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जैसे आप इतने सारे रुपए चाय पान पर खर्च करते हैं, कुछ रुपए आप दरख्त पर भी खर्च कीजिए, क्योंकि ये असल में हमारे लिए बेहतरीन जरिया है जीने का। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।